आखिर ऐसा क्या है कि ओडिशा में स्थित जगन्नाथ पुरी जैसी रथ यात्रा पूरे देश भर में निकाली जाती है? इसी तरह हमारे शहर नागपुर में भी इस्कॉन द्वारा रथ यात्रा निकली गई थी। नमस्कार, मैं हूँ दवे जी की बूटी, जो आपको इस रथ यात्रा से रूबरू कराने की पूरी कोशिश करूँगा, जो नागपुर में घूम घूम कर हमारे शहर को सुंदर और सुखमय बनाएगी। इसे पसीना समझने की भूल ना कीजिएगा। ये रथ यात्रा का वो रस है जिसमें यहाँ का हर व्यक्ति डूबा हुआ है। जिसकी वजह से ना इन्हें धूप लग रही है, ना भूख लग रही है और ना प्यास, और बस कोशिश है तो प्रभु को पाने की आस। मुझे अब व्लॉग करते वक्त सिर्फ सिनेमेटिक्स लेने में मजा नहीं आता, बल्कि मजा तो उसमें है जो सवाल मेरे मन में हो और उसका जवाब मैं आपको मेरे वीडियो के जरिए दूं। पर यार एक मिनट, वो सवाल क्या है? जय जगन्नाथ। सो ओडिशा में हो रहे इस हर साल के भव्य रथ यात्रा को लोग खींचते हुए नजर आते हैं, बड़े प्रेम से सिनेमेटिक शेयर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है कि क्यों भगवान मंदिर से बाहर आते हैं भक्तों से मिलने के लिए? न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, रशिया, इंडिया के हर स्टेट में ये रथ यात्रा मनाई जाती है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है दोस्तों कि रथ यात्रा के दिन जो रथ होता है उसकी हाइट कितनी होती है? रथ का जो कलर होता है वो रेड और येलो ही क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे आपको मैं 10 फैक्ट्स बताने वाला हूँ श्री लॉर्ड जगन्नाथ रथ के बारे में। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ और जानिए 10 फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। फैक्ट नंबर 1। सो पूरी दुनिया में एकमात्र जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जो अपने गर्भगृह से, अपने मंदिर से बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। कितने प्यारे हैं ना हमारे जगन्नाथ जी, कितना प्रेम करते हैं हमारे भक्तों के साथ। उनको पता है कि भक्त तो मंदिर आते नहीं हैं, तो क्यों ना मैं ही आ जाऊँ। तो हर साल रथ यात्रा निकलती है उनके मंदिर से, जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर तक के। तो हर साल ये यात्रा मनाई जाती है सिर्फ भक्तों के लिए। भक्तों के लिए भगवान अपने मंदिर से अपने मूल्य शरीर के साथ बाहर निकलते हैं, इतना प्रेम करते हैं हमारे जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ। तो कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखना। तो फैक्ट नंबर 2, यार दवे जी हम बड़े प्रेम से रथ को खींच तो लेते हैं, लेकिन उस रथ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रथ ऑफ जगन्नाथ जी? सो दोस्तों फैक्ट नंबर 2 यही था कि जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदीघोष। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है उसका? नंदीघोष। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमारे जो जगन्नाथ जी के रथ का नाम है वो है नंदीघोष। सो फैक्ट नंबर 3 कि व्हाई इज द कलर ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा इज रेड एंड येलो? जगन्नाथ जी के रथ का जो कलर है वो रेड और येलो ही क्यों है? तो दवे जी आपको बताते हैं, रुको जरा उनको भी याद करने दो। सो जगन्नाथ जी के रथ का जो कलर है वो है रेड और येलो। रेड मीन फॉर लव, ये दर्शाता है कि भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, और येलो मीन्स फॉर चैतन्य महाप्रभु। इसके पीछे की भी कहानी है कि कौन थे चैतन्य महाप्रभु, ये मैं आगे वाले फैक्ट में बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं आगे वाले फैक्ट में। फैक्ट नंबर 4 कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द जगन्नाथ रथ? जगन्नाथ जी का जो रथ है उसकी हाइट कितनी है? तो मैं आपको बताता हूँ, जगन्नाथ जी की जो रथ है उसकी हाइट है 45 फीट। हाँ दोस्तों, हर साल 45 फीट की जो रथ बनता है वो 45 फीट का बनता है। फैक्ट नंबर 5 कि जगन्नाथ जी का जो रथ बनता है उसमें टोटल 831 वुड के जो छोटे छोटे पीसेज है वो इकट्ठे होके 831 पीसेज बनते हैं, एक भी कम ज़्यादा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6 कि यार दवे जी 45 फीट की अगर रथ है तो उसके चक्के कितने होंगे? हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन द लॉर्ड जगन्नाथ रथ? तो दोस्तों जगन्नाथ जी के रथ में टोटल 16 पहिए होते हैं, और एक जो पहिया होता है ना, एक पहिया कम से कम 6 फीट का होता है, और वो सिर्फ 6 दिन में बन जाता है। फैक्ट नंबर 7 कि हम जो जगन्नाथ जी की रस्सी खींचते हैं, रथ की रस्सी खींचते हैं, इसका नाम क्या होता है?
सो जो भगवान की रथ की जो रस्सी होती है वो साधारण रस्सी नहीं होती है, उसका भी एक अलग ही स्टोरी है, वो कभी और बताऊंगा। लॉर्ड जगन्नाथ जी की जो रस्सी होती है उसका नाम है शंख चूड़ा नागुनी। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड जगन्नाथ जी की रस्सी का नाम होता है शंख चूड़ा नागुनी। फैक्ट नंबर 8 कि भगवान जगन्नाथ जी के जो रथ है उसकी सुरक्षा करते हैं गरुड़ देव जी। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी को किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बड़े प्योर हृदय के हैं, सबको सेवा देने का मौका देते हैं, इसलिए उन्होंने गरुड़ देव जी को रथ यात्रा की सेवा देने का मौका दिया था। इसलिए ये था फैक्ट नंबर 8। फैक्ट नंबर 9, तो क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी अपने रथ पर अपने आप हिलते हैं? ऐसा नहीं है कि जो रथ खींचने पे भगवान हिलते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्त खींचते हैं और रथ हिलता है, नहीं, भगवान जगन्नाथ जी इतने आसानी से नहीं हिलते, अपनी मर्जी से हिलते हैं। और ये क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो राजा प्रताप के टाइम पे उड़ीसा में जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी तो एक बड़ा ही विचलित काम हुआ था, और वो ये था कि जब राजा प्रताप जी रथ लेकर निकले थे तो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा था, उन्होंने बहुत सारे हाथी लगा लिए, उन्होंने बहुत सारे सैनिक लगा लिए, उन्होंने बहुत सारे भक्त लगा लिए रथ खींचने के लिए, लेकिन जो रथ है वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा। और जब हमारे चैतन्य महाप्रभु आए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वित गदाधर शिव साधि गौर भक्त वंदन, चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु थे श्री कृष्ण और राधा जी को एक कर दे, तो वो है हमारे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु थे। और इसी के साथ चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी प्रेम से, बड़ी हृदय दिल से मदिमा जगन्नाथ कहते हुए रथ को आगे खींचा और रथ आगे बढ़ते गया। तो ये थी लीला हमारे चैतन्य महाप्रभु की। तो ये था फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 10, जो भी जगन्नाथ जी के रथ को खींचता है या जगन्नाथ जी के रथ को देख भी लेता है या उसके चक्के को सुन भी लेता है, पुनः जन्म ना विद्यते, उसको वापस पुनः जन्म नहीं जीना पड़ता, वापस मृत्यु संसार में नहीं आना पड़ता, इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। ये है हमारे जगन्नाथ जी की असीम कृपा, ये है जगन्नाथ जी का आशीर्वाद। तो इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का जब भी रथ निकलता है उसको एक बार छू लो, उसके रस्से को एक बार खींच लो, बड़े ही प्रेम से जगन्नाथ जी आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। इसी के साथ 10 फैक्ट्स खत्म होते हैं। मैं आगे जाते जाते आपको ये मैसेज दूंगा कि सिर्फ सिनेमैटिक शेयर करते हुए मत जाओ, मतलब उसके बारे में एक नॉलेज लेते हुए जाओ कि हम जो चीज़ शेयर कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। यार वी आर इंडियंस, हमको पता होना चाहिए कि कौन थे जगन्नाथ जी। सिर्फ अपन एक ट्रेंड के लिए शेयर कर दिया, ये सब कर दिया, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मालूम है वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकल चुकी है लेकिन मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम इशू। कोई बात नहीं, जय जगन्नाथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि हमारी आगे का व्लॉग देखो, बाय बाय।